हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आगे की वीडियो आपको मिल पाएंगी। आज हमने ये श्रग पूरा कर लिया है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का जो श्रग है ना, बहुत प्यारा लगता है। आप इसको टॉप की तरह भी पहन सकते हैं और श्रग की तरह भी। देखिए इस तरीके से डालेंगे तो ये श्रग बन जाएगा, और यहाँ पर आप बटन लगा कर इसको इस तरीके से अटैच कर लेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉप बन जाएगा। आगे से टॉप की तरह दिखेगा और पीछे से श्रग का भी काम करेगा। फिलहाल तो मैं सेफ्टी पिन लगा के आपको दिखा रही हूँ। इसका पार्ट वन हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो देखिए पीछे से श्रग की तरह लगेगा आपको और आगे से टॉप की तरह लगेगा। तो इस तरीके से भी आप इसको डाल सकते हैं, आप इसको श्रग की तरह भी पहन सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग ज़रूर कमेंट करें, उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस डिज़ाइन में हम बहुत सारी चीज़ें बना चुके हैं, लाइक टॉप बना चुके हैं, बच्चों के ड्रेस बना चुके हैं, शॉल बना चुके हैं, और ये आज हमने श्रग बनाया है। तो वो सारी वीडियो आपको मेरे इस वाले चैनल पे भी मिल जाएंगी, और जो हमारा नया वाला चैनल है ना, ऑल फैशन टिप्स, उस पर भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किचन वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यस, मेरा एक किचन का चैनल भी है, तो वो भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको टॉप की तरह ज़्यादा अच्छा लगा या श्रग की तरह अच्छा लगा। ठीक है, तो हमने पार्ट वन में इतना बता दिया था आपको, पार्ट वन जाके देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, और अब हम आगे का आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, तो आपका इतना बन जाएगा, उसके बाद आपको फिर से वाइट कलर की उनको ऊपर लेकर आना है, एक चेन लेकर इसी जगह डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, इस जगह डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, फिर से एक चेन लेकर इसके आगे इस वाले डिज़ाइन में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर तीन चेन, एक दो तीन, इसके पास वाले में इसमें डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। फिर से एक चेन लेके यहाँ बनाएंगे, एक चेन लेकर यहाँ बनाएंगे, देखिए फिर से एक चेन बना के यहाँ पर बनाएंगे, इतना बनाने के बाद अब उनको इसको कट कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर उनको कट किया और इसको हम इस तरीके से अंदर के साइड में कर देंगे। उनको हमने कट करके अंदर एडजस्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने सिर्फ वाइट कलर से डिज़ाइन बनाई है। अब यहाँ पर वाइट कलर की उनको ज्वाइन करेंगे इस जगह पर। सिंगल क्रोशिया बना के तीन चेन ले ली, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, अब फिर से एक चेन बना के इसके पास वाली डिज़ाइन में बनाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से फिर एक चेन बनानी है हमें, और इस तरीके से इस सब में बनाते हुए यहाँ तक लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ तक बनाने के बाद हमने फिर से उनको कट किया है, फिर इसको अंदर जाकर डाल देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर उनको ज्वाइन करके यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, इतना हमें बनाना है, तो हमने यहाँ तक बना लिया। दो तीन बार हमारी वाइट कलर की उनको कट किया गया है, अब नहीं कट करना है। ठीक है, अब ऑरेंज कलर की उनको लेकर इसे तीन चेन बनाएंगे, तो तीन चेन बना के इसको घुमा लिया, और सेम इसी जगह हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन को काउंट करेंगे तो तीन हो जाएंगी। ठीक है,
देखिए, एक डबल क्रोशिया चेन को काउंट किया तो ये दो डबल क्रोशिया हो गई और एक और बना ली तो तीन हो गई, ठीक है। फिर एक चेन लेकर यहाँ पर इसके पास में जो स्पेस है इसमें हम तीन बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से एक चेन बनाएंगे और इसके आगे जो स्पेस दिखेगा उसमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है हमें। एक चेन लेके यहाँ बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, देखिए एक, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे तो दो हो जाएंगी, देखिए फिर से बनाएंगे तीन हो जाएंगी। ठीक है, फिर एक चेन लेकर और यहाँ पर तीन बनाएंगे, यहाँ पर एक, दो और तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है, अब एक चेन लेकर, अब जो हमने चेन बनाई है ना तो इस चेन में फर्स्ट वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके पास वाली चेन में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया हो जाएंगे, देखिए फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो तीन हो जाएंगी। ठीक है, तीन चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चेन स्किप करनी है। ठीक है, पहले एक चेन लेकर एक, दो, दो चेन स्किप करके तीसरे वाले में डालेंगे तो हम दो चेन बना ले रहे हैं पहले। ठीक है, फिर दो चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर दो हो गई, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे तीन हो जाएंगे। ठीक है, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमें वही रिपीट करना है, दो चेन लेनी है एक, दो, दो चेन स्किप करनी है, छोड़नी है एक, दो, तीसरी वाली चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया इसके पास वाली चेन में दो डबल क्रोशिया, देखिए हो जाएंगी यहाँ पर दो हो गई, फिर इसके पास वाली चेन में तीन डबल क्रोशिया हो गई। ठीक है, फिर दो चेन लेनी है हमें और देखिए एक, दो, तीन, ये तीन डिज़ाइन बनाए हैं टोटल, हम इसमें छः बार डिज़ाइन बनाएंगे इसी तरीके से, दो चेन छोड़ेंगे और तीसरी वाली चेन में बनाना है। ठीक है, तो दो चेन लेते जाना है और दो चेन स्किप करना है, जो हमने तीसरी चेन बनाई है इसमें हमारे पास छः बार डिज़ाइन बनेंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए चार डिज़ाइन बन गई हैं, एक, दो, तीन, चार, फिर दो चेन लेनी है, दो चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, दो, इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो दो हो गई, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो तीन हो गई। ठीक है, तीन डबल क्रोशिया के बाद दो चेन लेनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच डिज़ाइन हो गए, फिर दो चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, इसके पास वाली चेन में डालेंगे यहाँ पर दो डबल क्रोशिया और इसके पास वाली चेन में डालेंगे तो तीन डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है। तो जो चेन बनाई थी इस पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः डिज़ाइन हमने बना लिए हैं। ठीक है, अब फिर से एक चेन बनानी है, यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ, यहाँ सब में ऐसे बनाना है, कॉर्नर पर कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, फिर इसको इसी तरीके से पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है, सेम तरीके से बनाएंगे, फिर दिखाते हैं। देखिए हमने पूरी रो बना ली है, ये देखिए पूरी रो बन गई है हमारी। अब फिर से वाइट कलर की डिज़ाइन चलेगी, तो वाइट कलर से सेम तरीके से हमें फिर से बनाना है। तो देखिए इतना हमारा पैटर्न बन गया है, देखिए वाइट कलर की उनको ऊपर लेकर आएंगे, एक चेन बना के सेम इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बनाया, तीन चेन, एक, दो, तीन, अब इस साइड में डालकर इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, एक, दो, तीन, यहाँ डाल के बनाएंगे। ठीक है, फिर से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर डालकर एक सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, एक, दो, तीन, यहाँ डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए हमें लेकर आना है यहाँ तक, पूरा ऐसे ही बनाएंगे हम। तो हम थोड़ा बना के फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने पहले यहाँ तक बना लिया है, अब इसमें कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसमें हमने दो दो चेन का स्पेस दिया था तो दो चेन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक, दो, तीन, तीन चेन लेके यहाँ डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर दो चेन का स्पेस है तो एक, दो चेन ले ली। ठीक है, हम इसलिए सेम सेम चेन रखेंगे क्योंकि झोल नहीं आनी है बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर एक चेन लेंगे
तो यहाँ पर झोल आ जाएगी, टाइट हो जाएगा। इसलिए जितनी चेन हमने ली हैं ऑरेंज कलर की ऊन से ली हैं, उतनी ही हमें वाइट कलर से लेनी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर से हमने देखिए तीन चेन बना के यहाँ पर ज्वाइन करना है, फिर दो चेन लेनी है, एक दो, क्योंकि हमने ऑरेंज कलर की ऊन से भी दो चेन ली थी, ठीक है। जैसे हमने ऑरेंज डिज़ाइन में ऑरेंज कलर की ऊन की डिज़ाइन बनाया है ना, दो चेन ली है तो दो चेन लेनी है, एक चेन ली है तो वाइट कलर से एक चेन लेनी है। और जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर देखिए हम दो चेन लेके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन, तीन चेन लेके यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमारा इस साइड का पैटर्न आ गया, तो यहाँ पर हमने एक एक चेन ली थी तो एक एक चेन लेना है, सिर्फ यहाँ पर दो चेन लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक चेन बनाएंगे, यहाँ पर एक एक चेन का स्पेस दिया है तो एक एक चेन बनाएंगे, ठीक है। ऐसा ही हमें दूसरी साइड बनाना है, तो हम बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक तीन चेन बनाएंगे हम, एक दो तीन, यहाँ डालकर सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करेंगे, फिर एक चेन यहाँ डालकर, इसी तरीके से बनाना है हमें, ठीक है। फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूरी रो बना ली हमने सेम तरीके से, ठीक है। अब हम फिर से ऑरेंज कलर की ऊन से बनाएंगे, तो सेम तरीके से रिपीट करना है। सबसे पहले तीन चेन बनानी है, देखिए घुमाने के बाद चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया हमारे पास है। सेम इसी जगह हम दो और बनाएंगे तो तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर एक चेन लेके यहाँ पर बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, देखिए एक दो तीन, फिर से एक चेन लेकर यहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से एक चेन बनानी है और तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ठीक है। एक चेन बना के यहाँ बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, पूरी रो इसी तरीके से बनानी है। तो ये देखिए पूरी रो हमने बना ली है ऑरेंज कलर से। अब फिर से हम वाइट कलर की रो बनाएंगे, जैसे हम बना रहे हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से वाइट कलर की डिज़ाइन बना लेंगे और अब हम कुछ रो बना लेंगे। जैसे हमने मुड्ढे ज्वाइन किए हैं तो दो रो बनाई हैं अभी हमने, हम कुछ रो बनाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह रो के बाद हमने दो रो एक्स्ट्रा बना ली हैं, सत्रह रो हमारे पास हो गई हैं, सॉरी सोलह सत्रह रो हुई हैं, ठीक है। अभी सोलहवीं रो में हमने मुड्ढे ज्वाइन करे थे, उसके बाद दो रो बना ली। अब देखिए मुड्ढे ज्वाइन करने के बाद हमने एक दो तीन चार पाँच, पाँच रो हमने बना ली सेम तरीके से, ठीक है। पाँच रो सेम तरीके से हमने बनाई हैं, अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंज करना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो वाइट कलर के डिज़ाइन के बाद ऑरेंज कलर की ऊन में हमें चेंज करना है। सबसे पहले तीन चेन बनाएंगे, यहाँ पर देखिए हम एक दो तीन और एक चेन एक्स्ट्रा ले ली, चार चेन बना ली हमने, ठीक है। अभी तक हम तीन चेन बना रहे थे, अब हमने चार चेन बना के और इस वाले स्पेस में डालना है, इसमें नहीं डालना है, ठीक है। इसमें डालकर तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से ही तीन डबल क्रोशिया बना रहे थे, बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब एक चेन लेके यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर से एक चेन और यहाँ पर एक दो तीन, फिर से एक चेन और इसी तरीके से सब में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और लास्ट में दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, सेम तरीके से बनेगा। इस तरीके से बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे और लास्ट में दिखाते हैं। तो हम यहाँ तक आ गए हैं, अब एक चेन लेकर इस लास्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। और
एक चैन लेके इसको छोड़ देंगे फंदे को। आप देखिए फिर से वाइट कलर की उनको लेकर आएंगे इस वाली डिज़ाइन में, देखिए इस तरीके से लेकर आना है हमें ऊपर। सिंगल क्रोशिया एक चेन बना के यहाँ पर डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया तीन चेन, फिर यहाँ डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर से बना ली यहाँ सिंगल क्रोशिया, तीन चेन लेके यहाँ बना लिया, फिर एक चेन लेके यहाँ बनाएंगे, फिर तीन चेन यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पूरी रो बनाएंगे, पूरी रो वाइट कलर से सेम इसी तरीके से बनानी है और ऑरेंज कलर की ऊन पर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ तक हम आ गए, अब फिर से हम ऑरेंज कलर की ऊन से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, इसको घुमाकर और सेम इसी जगह दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन को काउंट किया तो तीन हो जाएंगे, देखिए एक दो और ये तीन, ठीक है इस तरीके से। फिर एक चेन लेकर यहाँ तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस जगह बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन। फिर एक चेन लेकर यहाँ पर बनाएंगे तीन। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर रो में स्टार्टिंग से ही बना रहे थे, बट अब हम एक रो के बाद फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हम हर रो में फंदा बढ़ाएंगे तो ये बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक एक रो के बाद बढ़ाएंगे, तो यहाँ तक पूरा लेकर आएंगे ऐसे ही बनाते हुए यहाँ तक, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ आपको दिखाएंगे क्या करना है। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर रो में स्टार्टिंग से ही तीन तीन डबल क्रोशिया बना रहे थे, बट अब हम एक रो के बाद फंदा बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने चार चेन बना के और आगे से डिज़ाइन स्टार्ट किया था, फिर इस रो में हमने तीन डबल क्रोशिया से स्टार्ट कर दिया। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर भी तीन बनाना है हमें, ठीक है। तो जब आप लोग बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, देखिए दो डबल क्रोशिया और एक यहाँ बनाएंगे तो तीन हो जाएंगे, ठीक है। फिर इस फंदे को हम एक चेन लेके छोड़ देंगे बड़ा करके, वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन, फिर से वाइट कलर की डिज़ाइन बनाएंगे, सेम तरीके से बनानी है, कोई चेंज नहीं है। सेम तरीके से बनानी है, वाइट कलर की डिज़ाइन हमें बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। अब देखिए फिर से ऑरेंज कलर की डिज़ाइन आ गई है, तो अब फिर से हम सेम तरीके से बनाएंगे, चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और एक हम पहले ही चेन बना चुके थे तो चार चेन हो गई, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक रो के बाद हम फंदा बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, ये ज़्यादा हैवी नहीं होगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने अब इसकी अगली रो जब बनेगी तो स्टार्टिंग से ही बन जाएंगी, तो इसी तरीके से हमें इसको रिपीट करते जाना है, जितना भी आपको इसकी लेंथ रखनी है उस हिसाब से बना लें। देखिए एक रो के बाद हमें फंदा बढ़ाना है अब, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर हर रो में बढ़ा रहे थे फंदे, बट अब हम एक में चार चेन का डिज़ाइन बनाएंगे जैसे अभी बनाया था हमने, फिर इसके अगली रो हम यहीं से तीन डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम कुछ रो बना लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, ऊन को कट करके बांधना है, तो हम आपको दिखाएंगे, थोड़ी रो बनाने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए हमने इतना बना लिया है, टोटल हमने 34 रो बनाई हैं, उसके बाद हमने ऊन को कट करके बांधा है। देखिए ऊन को कट करके बांधना है, सिंपल है, जितनी लंबी आपको ऊन बांधनी है उतनी लंबी काट लें, और जितने भी स्पेयर हैं सब में बांध देना है। अगर आपको बांधना नहीं आता है तो एक श्रग हमने और बनाया, उसमें ऊन को
काट के बांधना सिखाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। श्रक लिख के हम उसका वीडियो डाल देंगे, वहाँ पे आप देख लें जाके। तो बनाने के बाद, ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।